देखो जो वीडियो है रिगार्डिंग है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सीजन 19 के, एक तो SC ST वाला है आपका कि SC ST में जो क्रूशियल डेट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में उसको लेके लोग परेशान है, और दूसरा एक NOC का लेकर के जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है या जो लोग बैंक में भी हैं वो भी परेशान है कि NOC का करना क्या है, ले जाना है नहीं ले जाना है, मिल नहीं रहा है, बहुत सारी बातें। दोनों बातें मैं इस पर कर रहा हूँ, कई काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रखे हैं लोगों के, ठीक है, और देखो रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, रीज़न है बच्चे बहुत सारा मैसेज भरा पड़ा है, पेड में हो फ्री में हो चाहे जैसे भी सर्विस वाले हो सभी तरह के, और सभी का रिप्लाई जा रहा है, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं जा रहा है, तो इस वजह से टाइम लग रहा है आपका कि मैं ये वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो हैं काम के भी, मैं करना चाह रहा था DV के टाइम पर, लेकिन उनसे ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा बच्चे, मैं जैसे भी हो पाऊँगा आप तक जैसा भी हो पाएगा मैं कर पाऊँगा, राइट। देखो पहली बार इस बार CGL 19 में देखा गया है नोटिफिकेशन में कि SSC ने SC ST के लेकर के कोई क्रूशियल डेट मेंशन करा हुआ है। इसमें आप देखोगे ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बहुत सारे लोग हैं इसको लेके पता ही नहीं है उनको, आप यहाँ देख लीजिएगा इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्रूशियल डेट SC ST का भी मेंशन किया हुआ है। इसके पहले केवल OBC और EWS का ही क्रूशियल डेट का रहता था, क्लियर है आपका। तो यार अब इसमें परेशान है वो लोग जिन्होंने अपना लेटेस्ट में बनवाया है, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये क्रूशियल डेट SC ST में क्यों, क्योंकि जो बंदा आज बनवाया होगा और जो लोग 5 साल पहले बनवाए होंगे कैटेगरी तो चेंज नहीं होती आपके। तो पहले मैं बताऊं आपका कि अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद का भी है तो आप पैनिक घबराइएगा मत कि आपका अभी बना हुआ है कहीं मुझे प्रोविजनल तो मिल जाएगा, डरिएगा बिल्कुल भी नहीं इसको लेकर के। बात नंबर दूसरा, अगर किसी के पास दोनों है 19 से पहले वाला भी है 19 के बाद वाला भी है, तो मेरी राय रहेगी कि आप 19 से पहले वाला ही दिखाइएगा पहली बार में। अच्छा उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास स्टेट का है और आपके पास सेंट्रल का है, कई लोग मुझे मैसेज किए हैं कि सर मेरा पहले वाला स्टेट का है, अभी जो बनवाया है सेंट्रल का बनवाया है, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि सेंट्रल का फॉर्मेट SSC के लिए अलग होता है, तो क्या हमें अब स्टेट वाला तो बन नहीं पाएगा बैक डेट में, तो क्या सेंट्रल वाला बैक डेट में बन नहीं पाएगा तो कैसे काम हो पाएगा, कहीं स्टेट वाला चलेगा कि नहीं चलेगा। देखो SC ST के अंदर पहले जितने भी CGL के एग्ज़ाम या कोई भी SSC का एग्ज़ाम हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, कभी भी स्टेट को लेकर दिक्कत नहीं आई है, कई जगह पर स्टेट से भी चल जाता है और सेंट्रल से भी चल जाता है, यानी सेंट्रल वाला फॉर्मेट और स्टेट दोनों ही एक्सेप्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अभी ये राय आपको मेरी तरफ से है कि आप अगर 19 से पहले वाला है तो दिखाइएगा वहाँ पर, 19 के बाद का भी है तो भी दिखाइएगा, वैसे प्रोविजनल का कोई चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, अगर पड़ेगा तो खबर स्टार्टिंग से मिल जाएगी आपको। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है अगर 19 से पहले वाला, तो वर्स्ट केस में आप पूरे से बुरे केस में ये कर सकते हो आप कि आप प्रोविजनल के लिए रेडी रहना, कोई आगे नहीं आएगा 19 वाले में भी, 18 CGL 18 में भी जिनको प्रोविजनल मिला है CGL में दिक्कत नहीं आया है, केवल MTS में OBC और उसको EWS को दिक्कत है, SC ST का कभी कोई कास्ट को लेकर दिक्कत नहीं आया है, तो इसको लेकर इतना पैनिक मत होइए, पोस्ट प्रेफरेंस पर फोकस करिए आप। अब हम बात करते हैं NOC का लेके, बड़ा मैसेज आ रखा है NOC को लेकर। देखो NOC का दिक्कत क्या आ गई, सवाल ये उठ रहा है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो कहीं जॉब में हो आप गवर्नमेंट जॉब में, तो क्या आप बता करके NOC ले लो, लेकिन बहुत जगह पर या तो NOC मिल नहीं रहा है या तो आप ऐसा समझ लीजिए कि NOC को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं इसलिए लोग परेशान हैं, राइट। अगली चीज़ ये है कि इसका सही आंसर कहीं नहीं मिल पा रहा है, कहीं कोई और आंसर दे रहा है, तो ये लोग और भी ज़्यादा परेशान हैं उसको लेके कि करना क्या है, एग्जैक्टली करना क्या है इसको लेके। तो देखो मैं ये जो बता रहा हूँ आपको ये मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, राइट। DV के बाद नौकरी लगने के बाद का क्या सिस्टम है वो मैं अभी बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन अभी मैं आपका DV है अगले महीने तो ज़्यादा दिन नहीं बचा, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं जॉब कर रहे हैं, और अगर आपको एज में छूट चाहिए, एक रूल होता है कि अगर आप 3 साल की सर्विस यानी प्रोबेशन पूरा कर लेते हो, या 3 साल की प्रोबेशन छोड़ो 3 साल की रेगुलर सर्विस कर लेते हैं, तो आपको उम्र में कुछ छूट दी जाती है एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन पर्सन के रूप में, राइट। तो अगर आपको उम्र में छूट चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और 27 पोस्ट वाली भरनी है, 27 से कम वाली, राइट, तो अगर 29 या 30 के एज में हो तो आपको अगर उम्र में छूट चाहिए देन आपको NOC की ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, क्योंकि अगर आप वो प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आप 3 साल सर्विस किए हो नहीं किए हो, जब तक डिपार्टमेंट NOC लिख के आपको नहीं देगा तो, राइट। तो आपको उम्र में छूट नहीं मिल पाएगी, उम्र में छूट नहीं मिलने से 27 वाली एज वाली पोस्ट नहीं भर पाओगे, या जो जो पोस्टें हैं
एज क्रॉस कर चुकी होगी, आप वो नहीं भर पाओगे। अगर 32 भी होगी तो 28-30 वाली नहीं भर पाओगे, तो आपको तब बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है ये देना आपका। कुछ लोगों का ये डाउट है इसमें कि सर मेरा तो कोई एज का इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे डीवी कराने जाना है और मेरा एज का भी मैटर नहीं फंसेगा। उस केस में अगर देखो आपको एनओसी मिल चुका है, अगर आपने इंटीमेट किया हुआ है, बताया हुआ है, और अगर आपको एनओसी इजीली मिल जा रहा है तो आप ले लीजिए बिना किसी हर्डल, किसी आगे दिक्कत के लिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वहाँ डीवी के टाइम पर नहीं होगा, दिक्कत आपको जब ज्वाइनिंग करोगे उस टाइम पर होगा, क्योंकि आपका एक एनपीएस अकाउंट होता है, वो ट्रांसफ़र होने में दिक्कत होता है, राइट। अगर वो बन गया है आपका तो, और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जब आप एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के दूसरे में जाते हो तो। अब इसमें भी बहुत सारे रूल हैं कि आपने वो नया वाला जो जॉब ज्वाइन किया है वो नोटिफिकेशन के बाद ज्वाइन किया है या पहले किया है, अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आप बड़े परेशान हो, एक तो पोस्ट प्रेफरेंस में परेशान हो, तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह इधर आपको उलझाना नहीं चाह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि अभी डीवी के लिए फोकस करिए कि डीवी कैसे गुजारना है, देन आगे का आप सोच लोगे उसी हिसाब से, क्योंकि 6 महीने का 7 महीने का गैप रहेगा ज्वाइनिंग और फाइनल रिजल्ट के बीच। तो उस 6-7 महीने के बीच में आप बिल्कुल पता कर सकते हो कि क्या है और कैसे डिपार्टमेंट लेना है। अगर नहीं दे रहे तो 6-7 महीने के अंदर आप बिल्कुल कहीं ना कहीं से अपने डिपार्टमेंट में बात करके उसके रिगार्डिंग आगे मैनेज कर सकते हो, राइट। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कहीं पर जाकर के उन लोगों ने मांग ही लिया, डिपार्टमेंट मान लीजिए आपसे पूछा कि आप वर्किंग हैं और आपने कहा यस आप वर्किंग हो कहीं पर, ठीक है। तो अगर आपसे डीवी के टाइम पर एनओसी की डिमांड कर दी गई और नहीं अवेलेबल है, तो देखिए एसएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता और वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, उसके बिना काम नहीं हो पाता है, राइट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, राइट, तो उस केस में क्या होता है, आपको एसएससी टाइम देती है, डीवी के टाइम पर समय मिलता है आपको कि आप इतने 15 दिन के अंदर ला करके जमा कर देंगे वो डॉक्यूमेंट। ज़्यादातर एनओसी वाले केस में किसी को भी अगर एज वाला प्रॉब्लम नहीं है तो एनओसी के लिए रोका नहीं गया है। पिछले जितने भी डीवी हुए हैं एसएससी के, मैं अब तक जितने लोगों को हैंडल करा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, राइट, कि एनओसी अगर एज क्लेम वाला नहीं है तो कोई इशू नहीं हुआ है। प्रॉब्लम आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर आएगी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अभी परेशानी ना हो इसको लेकर के, लेकिन हाँ ज्वाइनिंग के लिए जब आपका ये रिज़ल्ट फाइनल आ जाएगा देन आप ट्राई कर सकते हो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी निकालने के लिए, चाहे जैसे भी होगा। आपको बॉन्ड तो भरना ही होगा क्योंकि कुछ लॉसेस होती हैं डिपार्टमेंट के, कुछ खर्चे होते हैं, तो वो बॉन्ड होता है आपका। अब जैसा हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग होता है रिज़ाइन करने का, वो आप फ्री होके देख लीजिएगा। यार अभी डीवी है तो आप अपने डीवी पर फोकस करिए, पोस्ट प्रेफरेंस पर फॉर्म पर फोकस करिए। कोई डाउट है तो लिखिए, यूट्यूब कमेंट पे लिखिए और टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिए। आप जो लोग बैंक में हैं, देखो आप आरओ में बात कर लीजिए, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, आरओ में मैसेज करा था तो वहाँ से एनओसी उनको मिल गया है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो घबराइए मत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप डीवी कराइए, डीवी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। लेकिन अगर मिल जाता है तो पहले से ही कैरी करके रखिए, कोई वो बहुत बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है अगर डीवी मिल एनओसी अभी मिल जा रहा है स्टार्टिंग में तो, राइट। फिर भी कोई डाउट है लिखिए जरूर आप, ठीक है। कोशिश करता हूँ अगले वीडियो में कुछ और चीज़ लेके आऊँ।